हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं बच्चों? होप सो यू ऑल आर वेल। और आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। विज्ञान एक्सप्रेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो हम लोग शुरू करें, उससे पहले कुछ मोटिवेशन लाइंस आप लोगों के लिए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, है ना। सीने में ऐसी आग लगानी है सक्सेस पाने के लिए बच्चों। जब अंदर से चिंगारी आएगी, जब अंदर से चिंगारी आएगी तभी आप जीवन के अंदर कुछ बन पाओगे। जब तक अंदर से चिंगारी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं बन पाओगे। ना मैं मदद कर पाऊँगा ना कोई और, आप वो खुद हैं जो अपनी मदद खुद करेंगे। हम रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। सीने में आग लगा दीजिए, यकीन मानिए आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप जीवन में चाहते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का मेरा वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण, और वो है मैमल्स। आज हम लोग चंद क्वेश्चंस मैमल्स के ऊपर, स्तनधारियों के ऊपर करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, खुद मानव भी राइट मैमल है। मैमल्स में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है ना। रैबिट है, एलिफेंट है ना, डॉल्फिन है, बैट है, ब्लू व्हेल है राइट, काऊ है, बफेलो है, डियर है, रैट है, ह्यूमंस है राइट। सारे जितने नाम लिए मैंने वो सारे के सारे किस में हैं, मैमल्स में इंक्लूडेड है। सो आज का पहला क्वेश्चन, एज ऑफ मैमल्स। एज ऑफ मैमल्स, मैमल्स की एज को अपने क्या कहते हैं, एज ऑफ मैमल्स को। तो देखिए, अलग अलग कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स अलग अलग एरा के अंदर डेवलप हुए। तो एज ऑफ मैमल्स को सीनोजोइक एरा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा। क्या कहेंगे? एज ऑफ मैमल्स को सेनोजोइक एरा कहते हैं। डिफरेंट एराज के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या हुए, डेवलप हुए। तो जो मैमल्स की एज है उसको सेनोजोइक एरा के नाम से जानते हैं। हाउ मेनी सर्वाइकल वर्टिब्रा आर फाउंड इन मैमल्स? स्तनधारियों में कितनी ग्रह कशेरुकाएं पाई जाती है? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वाइकल वर्टिब्रा, वर्टिब्रा तो सब जानते हो, कशेरुक ब्रेंड सब जानते हो ना, ठीक है। अब उसके अंदर जो सर्वाइकल रीजन है, ग्रैव कशेरुका राइट, ग्रैव कशेरुकाओं की संख्या, सर्वाइकल वर्टिब्राज की संख्या कितनी होती है? तो ऑलवेज याद रखना, मैमल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्राज होती है। मैमल्स के अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, 7 ग्रैव कशेरुका है। स्ट्रक्चर फाउंड इन मैमल्स विच सेपरेट्स थोरेसिक केविटी फ्रॉम एब्डोमिनल केविटी। स्तनधारियों में पाए जाने वाली वह रचना जो वक्षीय गुहा को उदरी गुहा से पृथक करती है। मैमल्स का एक फीचर है कि एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करने वाली जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा राइट, और इसके ऊपर जो होती है वो कौन सी होती है? थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, और इस स्ट्रक्चर के नीचे होती है एब्डोमिनल कैविटी। तो बस क्वेश्चन यही पूछा था कि मैमल्स के अंदर वक्षीय गुहा और उदरीय गुहा को सेपरेट करने वाली स्ट्रक्चर फाउंड इन मैमल्स विथ सेपरेट थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिन कैविटी। तो इनको सेपरेट करने वाली ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जानते हो ये स्ट्रक्चर क्या है? डायफ्राम। और ये मैमल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है,
हालांकि क्रोकोडाइल के अंदर भी मिलता है जो कि एक रेप्टाइल है, लेकिन डायफ्राम जो फीचर है वो स्पेशल फीचर है। पौधों को छोड़ दीजिए, बाकी जो स्पेशल फीचर है वो मैमल्स का है डायफ्राम। इसको हम कहते हैं तनुपट, हिंदी के अंदर तनुपट के नाम से भी जानते हैं। राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ मैमल्स। वैसे तो मैमल्स के बहुत सारे करेक्टर्स हैं, बहुत बहुत सारे करेक्टर्स हैं, लेकिन राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ मैमल्स। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या है? मैमल्स नाम जहाँ से आया वही, मैमल्स नाम जहाँ से आया वही उसका सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण करेक्टर है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स की प्रेजेंस के कारण ही तो मैमल्स पड़ा है नाम, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति। स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति ये मैमल का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। प्रेजेंस ऑफ हेयर्स इज द फीचर ऑफ। पूरा एनिमल किंगडम आप देख लीजिए, कहीं पर भी आपको हेयर्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हेयर्स का पाया जाना है ना, प्रेजेंस ऑफ हेयर्स इज फीचर ऑफ मैमल्स ओनली। केवल मैमल्स में ही, केवल मैमल्स में ही हेयर्स होते हैं। केवल मैमल्स में, ध्यान से सुन लीजिए, केवल स्तनधारियों के अंदर ही हेयर्स होते हैं, केवल स्तनधारियों के अंदर ही हेयर्स होते हैं, बाकी दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या कैटेगरी के अंदर हेयर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था, प्रेजेंस ऑफ हेयर इज द फीचर ऑफ मैमल्स। नेम द ओवीपेरस मैमल्स। ओवीपेरस, नॉर्मली नॉर्मली मैमल्स वीवीपेरस होते हैं, लेकिन कुछ स्तनधारी ऐसे भी होते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। तो वो कौन होते हैं? जैसे प्रोटोथीरियंस, ठीक है। नेम द ओवीपेरस मैमल्स। अंडज स्तनधारी का नाम प्रोटोथीरियंस का एक ऑर्डर भी होता है मोनोट्रीमेटा। इसके जितने भी सदस्य होते हैं प्रोटोथीरियंस के, जितने भी प्रोटोथीरिया के अंदर एक ऑर्डर है मोनोट्रीमेटा, उस मोनोट्रीमेटा के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब ओवीपेरस मैमल्स होते हैं। ओवीपेरस का मतलब होता है एग लिंग। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। सरीसृप व स्तनधारियों के बीच की योजक कड़ी, मतलब जिनमें कुछ करेक्टर्स तो रेप्टाइल जैसे हैं और कुछ करेक्टर मैमल जैसे हैं, तो वो कौन है? तो सबसे बेहतरीन प्रोटोथीरियंस है ना, आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। यदि आप प्रोटोथीरियन के अंदर करेक्टर्स देखोगे है ना, प्रोटोथीरिया के अंदर, तो जैसे ईयर पिन्ना नहीं पाया जाता है, ठीक है, एग लेइंग होते हैं ये प्रोटोथीरियन, ठीक है। तो ऐसे कई सारे करेक्टर हैं जो कि रेप्टाइल जैसे हैं, और ऐसे कई सारे करेक्टर हैं जो कि मैमल जैसे हैं। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, सरीसृप और स्तनधारियों के बीच की योजक कड़ी कौन है? तो प्रोटोथीरियन से। पाउच्ड मैमल्स आर इंक्लूडेड इन विच इंफ्रा क्लास। पाउच्ड मैमल्स आर इंक्लूडेड इन विच इंफ्रा क्लास, कौन सी इंफ्रा क्लास में पाउच्ड स्तनधारी शामिल है? आप जानते हो कंगारू वगैरह के बारे में सुना होगा आपने, इनके शरीर के आगे पाउच होता है जिसमें वो अपने इमेच्योर बच्चों को, अपरिपक्व बच्चों को रखते हैं। तो पाउच्ड मैमल्स आर इंक्लूडेड इन विच इंफ्रा क्लास, तो उस इंफ्रा क्लास का नाम है मेटाथीरिया। जैसे मेटाथीरिया में एग्जांपल ये कंगारू वगैरह
कंगारू वगैरह वो सब इंक्लूड होते हैं यहाँ पर। तो पाउच्ड मैमल्स आर इंक्लूडेड इन विच इंफ्रा क्लास? तो मेटाथीरिया में। विवीपेरस प्लेसेंटल मैमल्स, ध्यान दीजिएगा, विवीपेरस प्लेसेंटल मैमल्स जरायुज अप्रायुक्त स्तनधारी किस इंफ्रा क्लास में शामिल है? तो ये सबसे एडवांस्ड हैं और उस इंफ्रा क्लास का नाम है जिसमें कि विवीपेरस प्लेसेंटल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स किसमें शामिल है? यूथीरिया में। यूथीरिया, राइट? क्या कहा मैंने? विवीपेरस प्लेसेंटल मैमल्स आर इंक्लूडेड इन विच इंफ्रा क्लास? तो यूथीरिया। विच मैमल्स हैव नो ईयर पिन्ना? ईयर पिन्ना किसमें नहीं? विच मैमल्स हैव नो ईयर पिन्ना? तो वही चीज, प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस, प्रोटोथीरियंस के अंदर वो ऑर्डर मोनोट्रीमेटा के सदस्य, एक ही ऑर्डर है मोनोट्रीमेटा के सदस्य, के सदस्यों में ईयर पिन्ना एब्सेंट। विच मैमल्स हैव नो ईयर पिन्ना? कौन से स्तनधारियों में कर्ण पल्लव नहीं पाए जाते? मोनोट्रीम्स में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, एक्वेटिक मैमल्स बिलोंग्स टू विच ऑर्डर? एक्वेटिक मैमल्स दो ऑर्डर से संबंधित है, सिटेशिया, सिटेशिया और साइरिनिया। आपने ये ब्लू वेल और डॉल्फिन वगैरह और ये सब सुने होंगे। तो एक्वेटिक मैमल्स, जलीय स्तनधारी कौन से गणों से संबंधित है? तो दो ही गण हैं एक्वेटिक में, जिसमें एक्वेटिक मैमल शामिल है, राइट? तो ऑर्डर सिटेशिया और ऑर्डर साइरिनिया, ऑर्डर सिटेशिया और ऑर्डर साइरिनिया। तो जलीय स्तनधारी कौन से गण से संबंधित है? ह्यूमंस आर इंक्लूडेड इन विच ऑर्डर? अब ह्यूमन बींग्स भी तो मैमल्स ही हैं, तो ह्यूमंस को किस ऑर्डर में शामिल किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकते हैं। तो ह्यूमन बींग्स का कौन सा गण है? प्राइमेट्स, याद रखना, ह्यूमन बींग्स का कौन सा गण है? प्राइमेट से। ह्यूमन बींग्स का जो गण है वो कौन सा है? प्राइमेट से। आर मैमल्स होमियोथर्मल्स? क्या स्तनधारियों के शरीर का तापमान समान रहता है, समतापी? क्या वो समतापी होते हैं? तो हाँ, राइट। केवल बर्ड्स और मैमल्स ही तो ऐसे जीव हैं जो कि कैसे होते हैं, हमेशा होमियोथर्मल्स होते हैं। इनके बॉडी का टेम्परेचर बाहरी एम्बियंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कभी भी बदलता नहीं है, इनके बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। तो होमियोथर्मल्स, आर मैमल्स होमियोथर्मल? यस, मैमल्स आर होमियोथर्मल्स। समतापी होते हैं। टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स इन मैमल्स आर कनेक्टेड बाय? जैसे मान लीजिए ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। तो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर मेंबर्स के अंदर किससे कनेक्टेड है? स्तनधारियों में दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध आपस में जुड़े रहते हैं। स्तनधारियों में दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध किससे जुड़े रहते हैं? तो ये जुड़े रहते हैं आपस में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। ये किसका फीचर है? मैमल्स का फीचर है, कॉर्पस कैलोसम, है ना? तो दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध किससे जुड़े रहते हैं? कॉर्पस कैलोसम। आंसर क्लियर है, कॉर्पस कैलोसम ये मैमल्स का फीचर है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉर्पस कैलोसम नहीं मिलता है। नेक्स्ट, मैमल्स आर एमनियोट्स, व्हाट डज इट मीन? देखो, मैमल्स एमनियोट्स हैं, तो यस, मैमल्स एमनियोट्स हैं। एमनियोट्स का मतलब होता है दे हैव
इसका मतलब होता है दे हैव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, दे हैव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, इनमें बाह्य भ्रूणीय झिल्लियाँ होती है। भ्रूणीय झिल्लियाँ नहीं, मैं रोक कर टोंक कर बता दूँ, भ्रूणीय झिल्लियाँ तीन होती है, एक्टोडम, मिजोडम और एंडोडम, में उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, राइट। इनमें बाह्य भ्रूणीय झिल्लियाँ पाई जाती है, बाह्य भ्रूणीय झिल्लियाँ उपस्थित, वो भ्रूणीय झिल्लियों के अलावा ये पाई जाती है, बाह्य भ्रूणीय झिल्लियाँ उपस्थित, भ्रूणीय झिल्लियों के अलावा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है ना। तो कौन कौन सी होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, कौन कौन सी होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स? तो ये तो समझ में आ गया, एमनियोट्स का मतलब क्या होता है, जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हो, बाह्य भ्रूणीय झिल्लियाँ हो, उन्हें एमनियोट्स कहते हैं। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कितने तरीके की होती है, चार होती है, हमेशा याद रखना, एमनियोन, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और योक्सिक, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस, योक्सिक, एमनियोन, कोरियोन, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस, योक्सिक, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस, योक्सिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस एंड योक्सिक, क्लियर है? तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आर हाइंडलिम्स प्रेजेंट इन एक्वेटिक मैमल्स, आर हाइंडलिम एब्सेंट, आर हाइंडलिम्स प्रेजेंट इन एक्वेटिक जलीय स्तनधारियों में पक्षपात पाए जाते हैं? नो, हाइंडलिम्स आर एब्सेंट, हाइंडलिम्स आर एब्सेंट इन एक्वेटिक मैमल्स। भाई एक्वेटिक मैमल्स को चलना थोड़ी है जो उनके अंदर पक्षपात होंगे, दे आर नॉट हैविंग हाइंड लिम्स। ये जितने भी जो ये ब्लू वेल वगैरह होते हैं, डॉल्फिन वगैरह होते हैं, ये तो पानी के अंदर रहते हैं, तो इनके अंदर पक्षपात होने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। हेयर ऑफ मैमल्स आर मेड ऑफ, अब आपने अभी देखा था कि मैमल्स के अंदर हेयर्स होते हैं, तो हेयर्स ऑफ मैमल्स आर मेड ऑफ, हेयर्स ऑफ मैमल्स आर मेड ऑफ, स्तनधारियों के रोम किसके बने होते हैं? तो ऑलवेज रिमेंबर, अल्फा केराटिन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? अल्फा केराटिन के। हेयर्स मैमल्स का फीचर है और ये बने होते हैं अल्फा केराटिन के, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है। विच एओर्टा इज फाउंड इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर लेफ्ट एओर्टा होता है जो कि पूरे बॉडी के अंदर प्योर ब्लड को सप्लाई करता है, तो कौन सा होता है? लेफ्ट एओर्टा, लेफ्ट एओर्टा। बायां ग्रीवा दैहिक चाप, है ना, जो कि पूरे ब्लड के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर प्योर ब्लड को सप्लाई करता है, ठीक है, लेफ्ट एओर्टा। टाइप ऑफ किडनी इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर किडनी कौन सी होती है? तो बेटा मैमल्स के अंदर जो किडनी होती है उसका टाइप है मेटा नेफ्रिक किडनी। एक्चुअली तीन तरीके की किडनी होती है, प्रोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी, लेकिन मैमल्स तो बहुत एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स है तो उनके अंदर मेटानेफ्रिक किडनी मिलती है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मैमल्स, मैमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है? तो मैमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, इसीलिए मैमल्स को यूरियोटेलिक कहते हैं, मैमल्स को हम क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक कहते हैं, इज इट क्लियर? तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्तनधारियों का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया है, इसीलिए हम उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। सो हम लोग आप लोगों के लिए विज्ञान एक्सप्रेस के द्वारा हम लोग रोजाना एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं हम लोग, तो जितने भी चैनल के ऊपर नए लोग हैं वो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, हमेशा याद रखना शेयर करने से, किसी भी ज्ञान को शेयर करने से वो और बढ़ता है ना, तो अपने पास ही ना रखें, इसको खूब सारा फैलाएं।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।